डेली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दबाइए इस सब्सक्राइब बटन को और दबाइए इस घंटी बटन को ताकि आप देख सके डेली लेटेस्ट। बेटा था महान क्रिकेटर पर पिता आज भी रेलवे स्टेशन पर बेच रहा है बिस्किट। जयपुर न्यूज हिंदी फिल्म। दुनिया भर में कई किस्से हैं जब इंसान पैसों की चक्कर में अपनों की भूल जाता है। ऐसे ही किया एक दिग्गज क्रिकेट ने जो आज खुद तो महान बना बैठा है पर उसका बाप आज भी रेलवे स्टेशन पर बिस्किट बेच रहा है। वहीं पिता ने कभी बेटे को बड़ा क्रिकेटर के लिए कई बलिदान किए हैं पर बेटा आज सब कुछ भूल चुका है। बता दें कि उस क्रिकेटर का नाम जानकर आप भी चौंक सकते हैं क्योंकि वह क्रिकेटर कोई और नहीं श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी और स्पिनर मुथैया मुरलीधरन है जो अपने पिता को भूल चुका था। मुरलीधरन के पिता का नाम सिन्हास्वामी और माता का नाम लक्ष्मी था। मुरलीधरन का जन्म 17 अप्रैल 1972 को हुआ है। गौरतलब है कि मुथैया मुरलीधरन ने पहला टेस्ट 28 अगस्त 1992 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था और अंतिम टेस्ट मैच 18 जुलाई 2010 को भारत के खिलाफ ही खेला था। यही नहीं मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर में 133 टेस्ट में सर्वाधिक 800 टेस्ट विकेट लिए हैं। वहीं मुरलीधरन ने अपना पहला वनडे मैच 12 अगस्त 1993 को भारत के खिलाफ खेला था और अंतिम वनडे मैच 2011 के विश्व कप का फाइनल भारत के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने वनडे 350 मैच खेले हैं जिनमें 534 विकेट लिए हैं। हर किसी को यह बात परेशान करती है कि इतने महान खिलाड़ी के पिता गरीबी में क्या जिंदगी काट रहे हैं। मुरलीधरन ने मलार हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर इसराम मूर्ति की बेटी मधि मल्हार से 2005 में शादी की थी। यहां तक खबर है कि मुरलीधरन के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका बेटा उनसे कई सालों से मिला तक नहीं है।